तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम कैलकुलेशंस। तो पिछला टॉपिक हमारा था डेट कैलकुलेशन और अगला आज का टॉपिक है टाइम की कैलकुलेशन, कि टाइम को किस तरह से एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे, ये आज हम आपके साथ सीखेंगे। और मेरे साथ विजय जी, दीपक जी एंड विशाल शर्मा जी हमारे जूम ऐप पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम लिखने का तरीका क्या है समझाइए कि आप टाइम लिख सकते हैं यहाँ पे 10, मुझे 10 बज के लिखना है आपको, तो 10 और यहाँ पे कॉलन और फिर मिनट लिखिए। अगर सेकंड है तो लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर मारिए आपका टाइम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे रात को 10 बजे का टाइम लिखना है, क्योंकि तो आपने अभी लिखा, अब मैंने अभी टाइम लिखा तो 10 बजे AM पकड़ लिया, PM कैसे पकड़ेगा। तो उसके दो तरीके है कि आप यहाँ 10:20 और स्पेस मार के PM लिखना पड़ेगा, या सबसे सिंपल तरीका है कि आप 24 आवर की फॉर्मेट को लेके चलो। जैसे मैंने 22 बजे लिख दिया तो मेरा एंटर मारते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए 10 PM हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज टू है तो आप 24 आवर का फॉर्मेट पर कर ले, अदरवाइज वो आप AM PM आपको स्पेस मार के करना पड़ेगा। तो टाइम लिखने का तरीका यही है। एक्चुअली में अगर टाइम को जनरल फॉर्मेट में ले जाएं, पर इसकी जो समझ लीजिए, टाइम को अगर जनरल फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो आपका वो नंबर डेसिमल्स में आता है। क्या होता है कि 1 = 24 hours इट मीन 1 day होता है, और 1 day से नीचे जो होता है उसको इसी तरह के डेसिमल्स में शो करता है। तो जैसे कि एक डेट के लिए हमने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में कि टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट देता है, लेकिन सिस्टम टाइम के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आप नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं तो डेट एंड टाइम दोनों देता है। सबसे पहले इसी चीज पे आते हैं कि हाउ कैन गेट द ओनली फॉर टाइम, तो कैसे करें, क्योंकि आप जैसे ही इसको एक बार देख लीजिए जनरल फॉर्मेट में करते हैं तो जो नंबर्स हैं इट्स योर डेट, और ये जो आपका डेसिमल्स हैं ये आपके टाइम है। तो मुझे इसमें से डेसिमल्स को अलग करना है। इसके कई सारे तरीके हैं, मैं इस पे राउंड डाउन का फॉर्मूला लगा दूंगा, राउंड डाउन -0, ये आप और दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा विद डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल। अगर माइनस ही करना है तो राउंड डाउन इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। हमारे पास एक इंट का फॉर्मूला होता है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है, वो भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे ए माइनस सॉरी ऊपर वाले को माइनस कर सकते हैं तो डेसिमल में आ गया। तो टाइम को टाइम फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे तो टाइम हो जाएगा। लेकिन एक और सिंपल तरीका है हमारे पास मोड का। मोड फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी नंबर्स को, जैसे नाउ जो डेट एंड टाइम दिया है ना, उसको किसी एक नंबर से डिवाइड करने पे जो शेषफल आता है वो शेषफल शो करता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उसका शेषफल 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल्स में है तो फिर आपको डेसिमल से ही शेषफल में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया टाइम इस तरह से। तो सिर्फ टाइम को चेक करने के लिए इस तरह का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइम को अगर हम ये करना चाहे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, जैसे कि मान लीजिए कि 10:30 and 45 seconds है, मुझे इसमें से आवर मिनट सेकेंड तीनों को अलग करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे आवर के लिए हम आवर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आवर को अलग कर देगा। देन हम मिनट के लिए मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मिनट को अलग कर देगा, एंड सेकेंड के लिए सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सेकेंड को अलग कर देगा। इसका इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको कन्वर्टर के लिए। जैसे कि मैंने 8 घंटे 20 मिनट काम किया, मुझे मिनट्स में चाहिए कि मैं कितना मिनट काम किया, क्योंकि ओवर टाइम की कैलकुलेशन या और शिफ्ट की कैलकुलेशन ऑफिस में मिनट से ही ज्यादातर की जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे
आवर का फॉर्मूला, अगर सिंपल बात करें तो आवर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आवर निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस फिर मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से मिनट को अलग करके हम इसको जोड़ ले लेंगे और इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, ये 500 मिनट आपका कर दिया। लेकिन ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हमारे पास एक और सिंपल प्रोसेस होता है, वो होता है टेक्स्ट का फॉर्मूला। ये टेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में मैं एम लिख दूंगा, नहीं बड़ी ब्रैकेट में ना लिखती है, बड़ी ब्रैकेट में मैं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, हम लोग बचपन से बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, लीजिए तो कन्वर्ट होगा एच करोगे तो आवर, एन करोगे मिनट, एस करोगे सेकेंड। अब यहां पे बात आती है कि आपको अगर अलग 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 फॉर्मेट में मिला है तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम बता दें आपको यहां पे टाइम का फॉर्मूला, यहाँ पे जैसे कि डेट का फॉर्मूला था जो कि ईयर मिनट ईयर मंथ और डे को कंबाइन करके डेट बनाता था, उसी तरह से हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है जो कि टाइम यानी आवर मिनट और सेकंड को मिला के टाइम बनाता है। अब इसका बेनिफिट क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 10:20 ऑफिस में गया और मैं 30 मिनट हमारा रनिंग टाइम है तो हम 30 मिनट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे 30 मिनट ऐड करना है। तो 30 मिनट को अगर आपने टाइम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो 0:30 हमने लिखा टाइम फॉर्मेट में, तो आप जस्ट इसमें प्लस कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 30 को लिख दिया इन द नॉर्मल फॉर्मेट में, जो कि मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर आप नंबर फॉर्मेट में, अगर आप मतलब कि नंबर फॉर्मेट में लिखते हैं मतलब 1 = 24 आवर, तो ये 30 मिनट नहीं होगा, 30 × 24 मतलब कि उतना आवर कल आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में इस टाइम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि टाइम, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं अनकोवा, नहीं नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें प्लस टाइम, और टाइम में 0 मिनट और 30 सेकेंड्स, 30 मिनट 0 आवर 30 सेकेंड्स 30 मिनट एंड 0 सेकेंड्स कर देते, माफ कीजिएगा मैं उल्टा सीधा बोल गया, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अब मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, मतलब कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 6 बजे ऑफिस से लीव हुआ, तो आखिर मैं कितना देर ऑफिस में वर्क किया। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट डेट लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर दीजिए, तो 6 बजे - 1, ये घटा क्यों आया, क्योंकि मैंने 6 बजे लिखा तो एम पकड़ लिया, तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ना कि आप इसको 24 घंटे का फॉर्मेट या पीएम आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने 8 घंटे काम किया। ये तो चलो जनरल शिफ्ट थी तो कैलकुलेशन कर लिया हमने, लेकिन मान लीजिए कि मैं आज ऑफिस में, तो आज मैं ऑफिस में गया 10 बजे और मैं कल, क्योंकि तो मैं रात में 3 बजे वापस आऊंगा तो कल की रेट कल हो जाएगा ना, मैं रात अगले दिन जो है 13 तारीख को मैं सुबह के 4 बजे ऑफिस से आया, जैसे 10 बजे छोड़िए मैं यहाँ 2 बजे गया ऑफिस, चलिए 2 से 4 मेरा शिफ्ट है, तो मैं कितना घंटा काम किया। तो अब यहाँ पे इसमें और इसमें माइनस नहीं कर सकते लाने के, क्योंकि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट माइनस लेटेस्ट नहीं होता है। 4 में से 14 में से 4 को घटाया जा सकता है, 4 में 14 को नहीं घटाया जा सकता, माइनस में नहीं आता है। तो उस केस में क्या करेंगे,
हम पहले तो डेट को टाइम, अगर आपने इकट्ठा लिख रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने इकट्ठा नहीं लिख रखा है तो उसको डेट एंड टाइम को प्लस कीजिए। तो लेटेस्ट डेट एंड टाइम प्लस, तो ओल्डेस्ट हो गया ना, हम लेटेस्ट कहते हैं, लेटेस्ट प्लस हम कर दिए माइनस, तो लेटेस्ट डेट प्लस टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट प्लस टाइम, और माइनस की कैलकुलेशन पहले होती है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा ताकि ये बोर्ड मास मेथड को फॉलो कर सके। और रिजल्ट आपके सामने आया, लेकिन इसको आप रिजल्ट को फॉर्मेट चेंज कीजिए। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ टाइम में 37:30 का फॉर्मेट, तो 14 घंटे का वो निकलेगा। समझ में आ गया सर? विजय जी, दीपक जी, विशाल जी, एनी डाउट्स? नहीं, समझ ओके। अब कुछ और फॉर्मूले हैं छोटे मोटे, चलिए उसको देख के हम टाइम फॉर्मूला को खत्म ही करते हैं, डेट एंड टाइम को। जैसे कि मैंने आज की डेट डाली है, मुझे इस महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो ई ओ मंथ देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जीरो करेंगे, तो इस महीने का लास्ट। ई ओ मंथ क्या होता है? एंड ऑफ मंथ होता है। इसमें मैंने जीरो दिया मतलब कि सेम मंथ। अगर मैं यहाँ पे वन दूंगा, जीरो की जगह पे वन दूंगा, तो वन दूंगा तो अगले दिन की करेगा, ठीक है? और यहाँ पे वन की जगह पे मैं यहाँ पे टू कर दिया तो उसके अगले दिन, तो इस तरह से होता। लेकिन मुझे इस महीने की फर्स्ट डेट चाहिए, जैसे कि 1 अगस्त, तो उसको -1 कर दीजिए। तो पिछले -1 करने से क्या होगा, पिछले महीने का लास्ट डेट देगा, उसमें +1 कर दीजिए, इस महीने की फर्स्ट डेट दे देगा आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मूला बार क्या करना, पे, तो इसमें मोस्टली फॉर्मूला हो चुका है, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपका टाइम वैल्यू और डेट वैल्यू है, इसके बारे में जान लीजिए पहले। क्या है कि अगर आपने डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया, उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप डेट वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डेट वैल्यूज को डेट में कन्वर्ट करेगा। सेम उसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइम को रख दिया तो आपको टाइम वैल्यू का इस्तेमाल होता है, जो कि इसको टाइम वैल्यू टाइम में कन्वर्ट कर देता है। ये तो जो जनरल फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट चेंज कर लीजिए तो आपका सही हो जाएगा। ये हो गया। बात आती है इसमें एक, हमारे पास अगर मान लीजिए कोई डेट डालते हैं तो इस वीक का कौन सा दिन है, पता करने के लिए आप यहाँ पे वीक डे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक डे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है या संडे से स्टार्ट होता है। तो गल्फ में वीक संडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, तो आप हम लोगों का मंडे से होता है, तो आपने मंडे से टू सेलेक्ट कर लिया, मंडे का सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारिए, तो ये वीक का पहला दिन है। ऐसे साल का कौन सा वीक है, तो इसके लिए आपका आता है वीक नाम, वीक का नंबर देता है साल का कौन सा वीक है, और महीने कौन सा वीक है ये नहीं बताता, इसके लिए फॉर्मूला नहीं है फिलहाल। बाकी सारे तो हम बता रहे, एक हमारे पास ईयर वैकेंसी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक जो है 1 तारीख को मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा और मैं उसको आज खत्म कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरा जो फीस है वो फीस है ईयरली 8 लाख का, तो मैंने साल भर तो पूरा काम किया नहीं हूं, तो मैं कितना परसेंट इसका पैसे का ऑर्डर करूँ, मतलब कि क्या बताओ कि हाँ इतना रुपए की हमें बिलिंग होनी, तो ये पता आपको पता लगाना होगा कि भाई कितना परसेंट ईयरली भी हुआ है। तो यहाँ पे ईयर फ्रेक्वेंसी बताता है कि आपने कितना परसेंट ईयर यूज किया है। ईयर फ्रेक्वेंसी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंटर मारिए, 61% हमने ईयर इस्तेमाल किया है, उसको परसेंटेज फॉर्मेट में लाना है,
तो परसेंटेज का फॉर्मेट लगा दीजिए। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको बिल करना है। ये रेफरेंसी है, दे रही हमारी आज की टाइम की कैलकुलेशन। तो हमने डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया। प्लीज इसकी एक प्रैक्टिस कर लीजिए, कल इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट सर? अब कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप लोग।